एवरीवन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। देखो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप कंटिन्यू बन रहे हैं ना, देखो एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बनोगे ना, ये जो सेशन कंटिन्यू चल रहा है ना, ठीक है, अगर आप रोज का देख रहे हो ना, तो ये जरूर है कि जो भी आपको डाउट रहता है ना पजल्स वगैरह को लेकर के ना, तो ये सारा आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल एकदम स्कोर आएगा ही आएगा। तो आज का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, ये खास करके पीओ प्रीलिम्स लेवल का है। तो आपको कैसे इसको टैकल करना है एग्जाम में, सबके बारे में बात करूंगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्री सेशन के अंत तक पूरा बने रहना, प्रैक्टिस करके देखना कि आपका इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्या कैसे, आप कमेंट कमेंट जरूर करना ही करना है ना। चलो दिखाते हैं क्वेश्चन आज का। देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है कि 12 पर्सन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 12 लोग हैं और 2 पैरेलल रो में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये जब एक में क्या है, एक में 6 लोग हैं, ठीक है, इस तरह से बैठा हुआ है कि जो मतलब 6-6 करके दोनों में है, ठीक है। रो 1 जो है ना, रो 1 में जैसे BJLMN जो जेड जो भी है यहाँ पे, ठीक है, ये सब साउथ फेस कर रहा है, मतलब रो 1 जो है ना ये आपका साउथ फेस कर रहा है, रो 2 जो है ना ये आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। इतना बात तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रो 1 में है कौन सा रो 2 में, ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द देखो अब आगे कहाँ क्या जा रहा है, हम शुरू कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग से भी कर सकते, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ पे नहीं है। देखो कहाँ क्या जा रहा है कि एन सीट्स अपोजिट टू द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू द जे जे हु हैज ओनली 1 नेबर। देखो यहीं पे समझने वाली बात है, अगर ध्यान से अगर आप नहीं समझोगे तो आप गड़बड़ से स्टार्टिंग से ही कर ले जाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि एन सीट्स अपोजिट, देखो एन कौन से वाले में, रो 2 में, रो 2 किधर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो कहीं पे भी हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चलो एन यहाँ पे है, ठीक है, इसके ऊपर कोई होगा, दूसरे वाले में भी हम वही मान लेते हैं कि चलो ठीक है एन यहाँ पे है, दूसरे वाले में कोई होगा, ठीक है। देखो कहा क्या जा रहा है ना, देखो एन सिट्स अपोजिट टू द पर्सन, एन सिट्स अपोजिट टू द पर्सन, उस पर्सन के आसपास में है हु इज एडजेसेंट टू जे, देखो जो कि जे के साथ में है, पास में है, ठीक है, और जे का केवल एक ही नेबर है। देखो जे का केवल एक ही नेबर है, इसका मतलब है जे जो होगा ना वो कहाँ पे होगा, अंतिम छोर पे होगा, तभी तो जे का केवल एक ही नेबर यही हो जाएगा ना। अगर आपके मन में अगर आता है जे को इधर हम क्यों नहीं लिखे हैं, देखो हम 2 कंडीशन यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, एक में जे को यहाँ पे इस साइड एक छोर पे मान लिए हैं, दूसरे में हम जे को इधर मान के चलते हैं। अगर मान लेते जे को अगर यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे भी उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर ले रहे, इसको थोड़ा सा इधर घसका लेते हैं ताकि लिखने में ये सही रहेगा, ठीक है। चलो इसमें हम मान लेते हैं कि एन यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है, हो सकता है ना जे इस साइड में भी हो जाए। अब इस लाइन को पढ़ के देखो, पहले 2 हो गया 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जे हो गया, चलो ठीक है, मतलब पढ़ के देखो क्या कहा जाए, एन सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू जे, देखो एन उसके पास सामने बैठता है जो कि जे के एडजेसेंट में है, साथ में है, ठीक है, और जे का देखो जे हु है, हु का यूज सिर्फ पहले वाले के लिए होता है, ठीक, पहले वाले के लिए, तो जे का क्या जो केवल एक ही नेबर है ना, तो यहाँ पे अगर जे करे तो जे का केवल एक ही नेबर हो रहा है कि नहीं, इधर भी अगर जे को करे तो केवल एक ही नेबर हो रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आगे क्या कहा जा रहा है कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड यू, देखो एस और यू के बीच में 3 लोग हैं, यू के बारे में कहा जा रहा है कि हु इज नॉट अपोजिट टू जे, यू जो है ना अपोजिट जे के अपोजिट में नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा यू हो जाएगा, इसको छोड़ करके इस वाले में कोई कंडीशन बैठेगा ही नहीं बैठेगा, है ना। अब ये नहीं कि इसको यहाँ पे करोगे तो यू कहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग भी तो दिखाना है ना, इसमें यहाँ पे हो जाएगा एस हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका यू हो गया, ठीक है। चलो जेड डज नॉट फेसेज आई, ठीक है, जेड जो है ना आई को फेस नहीं कर रहा है, वो आएगा तो देख लेंगे। आई क्या कह जा रहा है कि आइदर एल और एम जो है ना, एल और एम जो है ना वो एन और यू को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, एन और यू को एल और एम जो है फेस बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, देखो
एल और एम यहाँ पे और यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, और एल जो है एम के सेकेंड टू द राइट में है, ठीक है, तो इस एक ही कंडीशन बैठेगा कि एम यहाँ पे हो जाएगा और एल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो वो यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे करेंगे तो अगर एम करेंगे तो फिर से एल यहाँ पे हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है इस वाले केस में भी, कि हम ना जो एल और एम को यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एम करते हैं तो एल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करते तो इसके सामने हो जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो जाता। एक ही केस बचता है कि एम हम यहाँ पे करते और एल हम यहाँ पे करते, ठीक है। आई होप मैटर आप पूरा समझ रहे होंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग एट द राइट ऑफ वी, देखो वी के राइट में जितना है ना वो एक ज़्यादा है, ठीक है, वी के राइट से। तो देखो इतना बात तो आपको पता होगा कि वी सेकेंड रो में है, ठीक है ना, वी सेकेंड रो में, तो वी और कहाँ गया, बी जो है फर्स्ट रो में है। देखो वी के राइट में जितना है ना वो एक ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं, वी के राइट में अगर तीन है तो बी के राइट में कितना होगा, दो होगा, तभी तो एक ज़्यादा है ना। अगर वी के राइट में अगर चार है तो यहाँ पे ये तीन है, ये दो है तो ये एक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हम कैसे बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन थोड़ा सा तो क्रिएट होने वाला है ही, क्या है तो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे देखो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ वी इज वन मोर देन द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। एक लाइन और बोला गया कि आई सिट अपोजिट टू द पर्सन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। देखो अब मान करके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको पहले समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर वी कर रहे हैं, ठीक है, देखो वी को तो यहाँ पे हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक ज़्यादा तो है ही, ऐसा नहीं अगर ये वाला जगह खाली रहता तो हम रिस्क लेते भी लेते। अगर यहाँ पे कर रहे हैं, जरा सोच के बताना, अगर हम यहाँ पे वी को कर रहे हैं तो वी के राइट में कितना है, दो है, तो बी के राइट में एक होना चाहिए, अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे बी है ना, है कि नहीं है। और एक बात बोला गया है ना, क्या बोला गया पता है, कि आई सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। अगर हम फिर उसके बाद अगर हम बी को यहाँ पे कर देते हैं, आई को अगर यहाँ पे करेंगे, आई सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, पहले वाले में ना ओ को यहाँ पे करेंगे तो आई यहाँ पे हो जाएगा। एक लाइन और बोला गया, अब मजबूरी है कि जेड यहाँ पे करना पड़ेगा, और जेड और आई आपस में नेबर नहीं है, ये बात हमेशा थोड़ा सा ध्यान में आपको रख के चलना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम किसको नहीं बैठा सकते, वी को नहीं बैठा सकते हैं। तो वी एक केस इसमें आ रहा है कि वी के राइट में अगर तीन है तो बी के राइट में कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा और कोई कंडीशन बन सकता है क्या? अच्छा एक लाइन ही जो बोला गया था, आई सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, तो यहाँ पे नहीं, ये वाला आपका कंडीशन ही गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा इसमें करके देख लें क्या, चलो इसमें करके देखते हैं। अगर मानते हैं कि अगर हम वी को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वी के अगर राइट में दो है तो बी के राइट में एक होना चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ पे अगर बी को कर रहे हैं तो उसके राइट में तीन है तो बी के राइट में दो, तो ये वाला तो कंडीशन ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। चलो अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, अच्छा एक ये वाला तीन दो वाला हुआ था, नहीं हुआ था ना, एक यही वाला तो हुआ था, ठीक है। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइम टेकन आपको इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा पुट करके आपको डालना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा। तो जैसे देखो कैसे करना है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लो अगर हम वी को यहाँ पे करते हैं, वी के राइट में दो है तो बी के राइट में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक ही होगा ना। चलो वी इसको बैठा लिया, अब ये वाला जो लाइन था, आई सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ को यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, ओ को यहाँ पे करेंगे तो आई मेरा यहाँ पे चला जाएगा, हाँ, तो ओ को अगर यहाँ पे करते हैं तो आई मेरा कहाँ चला जाएगा, आई मेरा यहाँ पे चला जाएगा, यही आएगा ना कि आई सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। अच्छा अब ये एक जेड डज नॉट फेस आई, जेड अब आई फेस कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, एक इसमें कौन बैठ गया, बी हो गया, जे हो गया, जे हो गया, एल एम, अच्छा जेड है ना, तो जेड यहाँ पे हो जाएगा, इसमें एक नीचे वाले में कौन बैठ गया, ई नहीं हुआ है ना, तो ई को हम यहाँ पे कर देंगे, एक बार में ही मेरा काम निपट गया, है ना। थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है एक दो,
कि आपको टाइम टेकन वाला रहेगा, फंसा देगा, तो स्मार्टली आपको खेलना ही खेलना है। देखो तो जब भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा आना शुरू हो जाए ना, तो आप ना एक बार कोशिश करो, एक बार पूरा पढ़ लो फटाफट एकदम, है ना, तभी आपका एकदम काम बढ़ने वाला है। होप पूरा मैटर समझ गए होंगे। ऐसे ऐसा अच्छा लगा, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक लगा, तो आप जो इसको शेयर करें चैनल पर पहली बार, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।